मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर फ्लेचर को न्यूज़पेपर से कुछ लड़कियों के कटआउट्स निकालते हुए देखते हैं। इसके पीछे का रीजन हमें जल्दी पता चलेगा। उसके घर में भी बहुत सारे कटआउट्स लगे हुए थे। नेक्स्ट सीन में हमारी और एक मेन कैरेक्टर रोजलिन हमें दिखती है। वो एक एली में अपनी कार को पार्क करती है। वो उसे कह रही थी कि पहले वो भी प्यार पर बहुत बिलीव करती थी, पर जब उसे प्यार हुआ तो उससे वो मैजिक चला गया। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा वो था नहीं। उसके बाद से उसने प्यार पर बिलीव करना छोड़ दिया है। एली से गुजरते वक्त एक आदमी रोजलिन का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते उसे जबरदस्ती करने लग गया। रोजलिन उसे थोड़ा सा हर्ट कर देती है। रोजलिन उस पर पेपर स्प्रे मार देती है। इस बात की वजह से वो गुस्सा हो जाता है और उसे शूट करने वाला था। उसी मोमेंट पर एली से एक कार गुजर रही थी, उसे टकरा जाती है। कार ड्राइवर वहां से भाग जाता है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। रोजलिन उसे देखती तो अब भी वो ब्रीथ कर रहा था। वो फिर उससे अपना पर्स लेकर वहां से चली जाती है। पैरेलल में हम देखते हैं कि ये जो भी हुआ था ये सब कुछ फ्लेचर को दिख रहा था। ये सब उसके लिए एक विजन की तरह था। वो फिर अपने पास के एक बार में जाती है। वहां पर उसने पुलिस को कॉल कर दिया और बता दिया कि एली में एक आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। ये सारी विजन फ्लेचर को दिखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। अपने न्यूज़पेपर कटआउट से फिर से एक लड़की का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था। वो रोजलिन को विजुलाइज करने का ट्राई करता है, ये सही से बन नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद रोजलिन चाइनीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजलिन अपने फ्रेंड के साथ एक आदमी को मिलने के लिए आई हुई थी। वो आदमी एक लड़की के साथ था। रोजलिन की फ्रेंड और वो लड़की चली जाती है तो आदमी रोजलिन के साथ फ्लर्ट करने लग गया। रोजलिन कहती है कि इन सब चीजों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद वो घर पर आके सुबह होने पर फ्लेचर को एक वर्ड याद आता है। उसका नाम था फर्मोसा। उसे लगा कि रोजलिन फर्मोसा ताइवान में है और वहां पर जाने का वो प्लान करने लग गया। उसे पत्थरों से आर्ट बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसका आर्ट बनाकर रोजलिन का फोटो अंदर रखता है। रोजलिन को हमेशा सपना आता है कि एक छोटी सी लड़की है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फ्लेचर को ट्रम्पेट बजाता हुआ देखते हैं। उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर भी थी जिनका नाम था आइडा। आइडा फ्लेचर से कहती है तुम जरा अलग लग रहे हो। वो गेस कर लेती है कि फ्लेचर किसी लड़की को लाइक करता है। फ्लेचर कहता है कि अब तक मुझे उसका नाम नहीं याद। ग्रैंड मदर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी विजन आया था। एक्चुअल में उनकी फैमिली के हर एक आदमी को अपनी वाइफ का विजन आता है। पैरेलल में रोजलिन कल जिस आदमी को मिली थी उसी के साथ लंच के लिए आई हुई थी। वो पूछता है कि क्या तुम कलेक्ट करते हो। रोजलिन कहती कि नहीं, मुझे सिर्फ उसे अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है। पैरेलल में हम फ्लेचर को आइडा के साथ देखते है। उसे कहती कि तुम्हारे फादर को भी विजन हुआ था। तुम्हारी मदर कार में थी तो उसके पीछे पीछे वो भागते चले गए। उन्हें तुम्हारी मदर की बर्थ मार्क के बारे में भी ऑलरेडी पता था। वो उससे कभी भी मिले नहीं थे पर फिर भी उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। फ्लेचर पहले इन बातों पर बिलीव करना छोड़ चुका था पर अब उसे भी विजन आ चुकी है तो फिर से इस पर बिलीव कर रहा है। उसने रोजलिन के जो पिक्चर्स बनाए ये अपनी ग्रैंड मदर को दिखाता है। लंच के वक्त रोजलिन उस आदमी से कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे कार्स के ब्रेक खराब हो गए थे, उसे रिपेयर करने के लिए मैंने उसे रखा हुआ है। वो आदमी उसे कहता है कि वहां तक मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। रोजलिन कहती है कि तुम आ सकते हो, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आर्ट गैलरी जो मेरी फेवरेट है उसकी पेंटिंग्स में तुम्हें दिखाऊंगी। इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। नेक्स्ट सीन में हम फ्लेचर को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पपेट शो कर रहा है। वो एक स्ट्रीट परफॉर्मर था। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि जिस लड़की से मैं शादी करूंगा मैं उसे देख पाया हूँ और उसी को पाने के लिए अब वो ताइवान जा रहा है। नेक्स्ट सीन में रोजलिन और वो आदमी दोनों आर्ट गैलरी में आए। वो पेंटिंग देखकर कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। रोजलिन कहती है कि तुम्हें नहीं कर सकते, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं तुम्हें गिफ्ट करने नहीं दे सकती। वो कहता है कि मैं खुद तुम्हें ऑफर करना चाहता हूँ। ये पेंटिंग जो $14,000 की थी ये वो बाय कर लेता है। गिफ्ट देने के बाद नेक्स्ट सीन में रोजलिन किसी और के साथ थी। ये वही आदमी था जो आर्ट गैलरी में उन्हें पेंटिंग दिखा रहा था। ये $14,000 वो रोजलिन को दे देता है। इसका मतलब है जो भी आज उस आदमी के साथ रोजलिन ने किया था ये सब कुछ प्लान था। वैसे ही अमीर आदमियों को ढूंढती है और उन्हें वो कौन करती है। रोजलिन का फ्रेंड भी उसमें इंटरेस्टेड था पर रोजलिन उसे मना कर देती है, प्रोफेशन को अलग रखती है। फ्रेंड फिर दूसरी लड़की के पीछे चला जाता है। रात में रोजलिन और उसकी फ्रेंड ये दोनों फोन पर बात कर रहे थे। रोजलिन बहुत सैड थी कि पैसों के लिए उसे ऐसे काम करने पड़ते हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना पड़ता है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती कि प्यार व्यार ऐसी कोई चीज नहीं होती, लोग सिर्फ शादी पैसे या फिर कंपैटिबिलिटी या फिर बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं। एक्चुअल में प्यार के लिए कोई भी शादी नहीं करता। जिन लोगों को भी हम फंसा रहे हैं वो हमेशा इस चीज को डिजर्व करते हैं। रोजलिन को इस तरीके से सोचना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन रोजलिन को जिसने पेंटिंग गिफ्ट की थी वो उसके घर पर आता है। वो दोनों डेट पर जाने वाले थे पर रोजलिन उसे कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से हम घर पर ही रहते हैं, कुछ ऑर्डर करेंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये आइडिया उसे बहुत अच्छा लगता है। वो इसके करीब आने लग गया। रोजलिन उसे कहती है कि आज मेरी जरा तबीयत खराब है, मेरा सर भी दुख रहा है, मेरे लिए बेडरूम में जाकर एक पिल लेकर आओ। वो आदमी बेडरूम में जाता
जाता है और वहां पर देखता है तो बहुत सारे ब्रोशर्स पड़े थे। ये एड्स ट्रीटमेंट के ब्रोशर्स थे। वहां पर ऑक्सीजन मास्क भी देखता है। उसे लगता है कि रोजलिन को एड्स है। इस बात से वो बहुत डर गया था। वो रोजलिन के पास वापस आता है। रोजलिन कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि कोई मेरे लिए इतना केयर कर सकता है। और वो खुद उसके पास आ रही थी। वो फिर बहुत डर गया, कहता है कि मुझे एक मैसेज चेक करना है। वो अपने फ्रेंड के साथ बात करने का प्रिटेंड करता है। उसने रोजलिन से कहा कि मेरे घर पर आग लग गई है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। इस तरीके से रोजलिन हमेशा लोगों को ट्रिक करती है ताकि वो खुद ही उसकी लाइफ से चले जाए और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके बाद अब रोजलिन और उसकी फ्रेंड और एक नए आदमी को कॉन करने का प्लान बनाने लग जाती है। फ्रेंड उसे कहती है कि मैं टेक्सास के आदमी को जानती हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर वो आया हुआ है, उसकी ऑयल मिल से और वो बहुत ही रिच है, उसके साथ तुम्हें डेट पर जाना है। इसके लिए उसे अच्छे क्लोथ्स वगैरह देकर वो रेडी करती है। इसके लिए अच्छे अच्छे क्लोथ्स भी बाय करते हैं। रात में रोजलिन को सपना आता है कि बचपन में किसी लड़के के साथ वो खेल रही है, तभी वो खेलते खेलते नीचे गिर जाती है, उसकी नी पर चोट आ गई। वो लड़का अपने शर्ट से इस चोट को पोंछता है। इस सपने से फिर वो उठ जाती है। फ्लेचर ताइवान जाने के लिए रेडी था। वहाँ एयरपोर्ट पर एक लेडी के मैगजीन में वो फर्मोसा नाम का एक कैफे दिखता है। इसी वर्ड को उसने ताइवान के पास देखा हुआ था। उसे रियलाइज होता है कि इसी कैफे को उसने अपने विजन में देखा था और उसके सामने आ गया। वहाँ पर उस कैफे में रोजलिन जिस आदमी से मिलने वाली थी वो वहाँ पर आता है। फ्लेचर और वो आदमी दोनों टेक्सास से थे, एक दूसरे से बात करते हैं और फिर वो आदमी कहीं जाकर बैठ जाता है। फ्लेचर वहाँ के वेटर को रोजलिन की फोटो दिखा रहा था पर उसे नहीं जानता था। नेक्स्ट मोमेंट पर ही रोजलिन उसके पास आकर बैठ जाती है। फ्लेचर रोजलिन को घूर रहा था तो उसे पूछती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। फ्लेचर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। रोजलिन कहती है कि यहाँ पर मैं किसी से मिलने वाली थी, क्या तुम वही हो, क्या तुम टेक्सास से हो। फ्लेचर इस पर हाँ कहता है। वो दोनों बात करने लगे। फ्लेचर कहता है कि मेरे लिए बहुत ही अजीब है। रोजलिन कहती है कि तुम इस टाउन में थे और इसी वजह से तुम्हारे साथ ड्रिंक लेने के लिए मैं आ गए, इस पर ज्यादा सोचो मत। वो फिर कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ काम है। फ्लेचर कहता है कि थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ रुक जाओ। इसके बाद वो दोनों वॉक लेते हैं। फ्लेचर रोजलिन का हाथ अपने हाथों में लेता है और इसे इस ब्यूटीफुल ट्री को और स्काई को देखने के लिए कहता है। रोजलिन उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। वो अपने प्रोजेक्ट सीक्रेट रखना चाहती थी और इसी वजह से वो दिखाना नहीं चाहती। वैसे भी अपने कॉन में उसे एक्चुअल में पिक्चर से कुछ करना आता नहीं है। फ्लेचर उसे कहता है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। वो फिर उसके हाथ पर पत्थर रखकर एक बहुत अच्छी डिजाइन बनाता है। वो कहता है कि इसमें तुम जो भी देखना चाहती हो देख सकती हो। इसके बाद उसे तोड़ देता है। कहता है कि सारी अच्छी चीजें हमेशा के लिए ऐसी नहीं रह सकती। अचानक से एक डॉग उन पर बाग करने लग गया। रोजलिन उस वजह से नीचे गिर जाती है। उसे नी पर चोट आई थी। इसे फ्लेचर अपने शर्ट से पोंछ देता है। यही रोजलिन के सपने में उसके फ्रेंड ने किया था। ये देखकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती है। उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो फिर वहां से चली गई। रात में फ्लेचर अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा था। ग्रैंड मदर पूछती है क्या वो तुम्हें लाइक करती है। फ्लेचर ने कहा कि मुझे अब तक पता नहीं है। रात में रोजलिन फ्लेचर के बारे में ही सोच रही थी। फ्लेचर फिर रात में रोजलिन को कॉल करता है। कहता है कि आज जो हुआ था इसके बारे में हमें बात करना चाहिए। रोजलिन कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ बार में जा रही हूँ, तुम वहां पर आ सकते हो। रोजलिन के कॉन में हेल्प करने वाला ये वही फ्रेंड था। उसे जब पता चलता है कि फ्लेचर टेक्सास से है तो उसका मजाक उड़ाता है। उसे टेक्सास अच्छा नहीं लगता था। रोजलिन ड्रिंक लेने के लिए गई तो फ्रेंड कहता है कि रोजलिन एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है पर वो बहुत ही प्राइवेट है, अपना काम किसी को भी नहीं दिखाती। रोजलिन ड्रिंक लेकर वापस आई, कहती कि कोई भी मेटियर कभी भी यहाँ पर आ सकता है और सब कुछ तबाह कर सकता है, तो हमें आज रात एंजॉय करना चाहिए। फ्लेचर कहता है कि इन सब चीजों से मैं डरता नहीं, अगर तुम्हारे साथ मरना हो तो इसके लिए भी मैं रेडी हूँ। रोजलिन का फ्रेंड फिर से टेक्सास के बारे में मजाक उड़ाता है। फ्लेचर इस बात से गुस्सा हो गया, उसे धमका कर वहां से जाने लगता है। रोजलिन कहती कि मुझे घर छोड़ दो। घर आने के बाद रोजलिन की पिक्चर्स वो देखने लग गया। वो दोनों आर्ट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से आर्ट में ब्यूटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। रोजलिन कहती है कि आर्ट वर्ल्ड में ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। फ्लेचर कहता है कि बेसिक चीजें तो सेम ही रहती है, जैसे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना। फ्लेचर आसपास सारी चीजें देख रहा था। रोजलिन फिर प्रोजेक्टर से उसे अपनी पिक्चर्स दिखाती है। इसका लाइट फ्लेचर रोजलिन पर लगाता है, अपने कपड़े निकालने लग गए। इसके बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं। वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे पर फ्लेचर इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद उसकी नी पर जो चोट लगी थी इसे किस कहता है और फिर वहां से चला गया। रात में रोजलिन को फिर से सपना आता है कि वो छोटी है। उसे बहुत ही पीसफुल महसूस होता है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड से बात करती है, कहती है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी, अपने कैरेक्टर से मैं बाहर आ गई थी। फ्रेंड कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोजलिन अपने आप पर ही गुस्सा थी, कहती कि फ्लेचर को तो मैं फंसा कर ही रहूंगी। नेक्स्ट टाइम जब वो दोनों मिले तो एक दूसरे को किस कर रहे थे। फ्लेचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें टेक्सास लेकर जाना चाहता हूँ, एक आवर में फ्लाइट है, लंच तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे।
रोजली इसके लिए मना करती है और नेक्स्ट सीन में वो दोनों टेक्सस में थे। फ्लेचर उसे अपने घर पर लेकर आया। फ्लेचर ने अपने वॉल्स पर जो भी आर्ट बनाया था ये सब कुछ रोजली नोटिस करती है। इसके बाद सोने के लिए उसे वो अपना बेडरूम देता है। रोजली उसे पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहते हो। फ्लेचर कहता है कि अल्टीमेटली तो मैं वही करना चाहता हूँ, पर अब तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। उसके करीब आ गया, उसके दिल पर हाथ रखता है और कहता है कि बहुत ही वंडरफुल है। उसे किस कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में फ्लेचर का फ्रेंड उसे मिलने के लिए आया। अर्जेंटली उन्हें एक शो करना था, इसके लिए उसे ले जाना चाहता था। रोजलिन भी अपनी नींद से उठ जाती है। फ्लेचर उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। बाहर आने के बाद फ्लेचर अपने फ्रेंड से रोजलिन को इंट्रोड्यूस करता है। फ्रेंड उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज था। उसे लग रहा था कि रोजलिन चाइनीज है, पर वो रियलाइज करता है कि वो चाइनीज नहीं है। रोजलिन की ब्यूटी से फ्रेंड भी बहुत सरप्राइज था। इसके बाद वो सब लोग एक पपेट शो के लिए जाते हैं। एक छोटी लड़की का बर्थडे था, वो अपने बेड से उठ नहीं सकती थी, उसके लिए वो शो करता है। लड़की के पेरेंट्स को लड़की को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। सब लोग जा रहे थे तो लड़की की मदर रोजलिन के पास आती है। वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, तुम बहुत लकी हो। घर जाते हो रोजलिन उससे कहती है तुम यहाँ पर बहुत फिट होते हो, यहाँ के लोगों के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। उसने कहा कि मुझे अपनी सिटी दिखाओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट प्लेस क्या है। फ्लेचर फिर उसे एक चर्च की जगह पर लेकर आया। वो कहता है कि यहाँ की विंडो मुझे बहुत पसंद है, इसके पीछे एक स्टोरी है। रोजलिन उसे स्टोरी बताने के लिए कहती है। वो कहता है कि जिस आदमी को ये विंडो क्रिएट करने का काम दिया गया था उसे चर्च की एक लड़की से प्यार हो गया था। उनका प्यार कम्प्लीट हो पाता इससे पहले ही वह लड़की बीमार पड़ गई और उसकी डेथ हो गई। अपनी प्यार की निशानी बनाने के लिए फिर उस आदमी ने सिर्फ इसी विंडो पर काम किया। सालों तक इसे वो परफेक्ट करता रहा। रोजलिन को ये बात बहुत सैड लगती है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। फ्लेचर कहता है कि एटलीस्ट दूर से ही तो सही और वो एक दूसरे से प्यार तो कर पाए। पपेट शो में जो लड़की बेड पर थी उसके बारे में रोजलिन फ्लेचर से पूछती है। फ्लेचर कहता है कि उसे बीमारी है, उसके पास जीने के लिए अब थोड़े से ही दिन है। रोजलिन को इसके लिए बहुत बुरा लगता है। फ्लेचर उसे पूछता है कि अगर तुम्हारी डेथ हो रही होगी तो तुम किसे किस करना चाहोगी। रोजलिन कहती है कि शायद किसी को भी नहीं, पर वो कहती है कि मैं उस लड़की को किस देना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि बड़ा होना किस तरीके से होता है, लाइफ की रियलिटी क्या होती है। रात में रोजलिन को नींद नहीं आ रही थी तो फ्लेचर के पास आकर वो सो गई। अगले दिन फ्लेचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसे अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताता है। कहता है कि किस तरीके से हम आदमियों को जिन लड़कियों से वो प्यार करते हैं, जिनके साथ उनकी शादी होने वाली है, उसके सपने आते हैं। रोजलिन को इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वहां पर ड्रिंक्स लेकर एक आदमी आता है। आज फ्लेचर ने सब लोगों से रोजलिन को मिलवाने के लिए पार्टी रखी थी। पार्टी में सब लोगों को उसे इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर फ्लेचर की ग्रैंड मदर आइडा भी आ जाती है। रोजलिन को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो फिर उनके लिए ट्रम्पेट बजाती है। इसके बाद सब लोग फ्लेचर को परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। सब लोग म्यूजिक बजाते हैं और अपने पपेट से वो परफॉर्म करता है। पार्टी में कुछ लड़के आकर रोजलिन से बात करने लग गए। कहती है फ्लेचर बहुत अमेजिंग है, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं ये फ्लेचर का शो देखने के लिए तो आते ही है। रोजलिन को अब रियलाइज हुआ कि फ्लेचर गरीब है। उसे लग रहा था किसी ऑयल मिल के ओनर को फंसा रही है, पर एक्चुअल में रियलिटी कुछ अलग थी। वो फिर जल्दी से वहां से आकर घर में बैठ जाती है। उसके पीछे आइडा आ गई। आइडा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि सब लोगों से इस तरीके से मिलना जरा ओवरवेलमिंग हो सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले तो बहुत ही अलग लगता है, पर बाद में तुम्हें आदत हो जाएगी। यहाँ पर आइडा ने पत्थर से आर्ट बनाया हुआ था। इसके बारे में रोजलिन उससे पूछती है कि इसका पर्पस क्या है। आइडा ने कहा कि वर्ल्ड वॉर के बाद में मेरी छोटी बेटी को मैंने लॉस्ट कर दिया था, उसी को याद करने के लिए मैंने ये बनाया हुआ था। इसके बाद उसे वो घर में लेकर जाती है। फ्लेचर की सारी फोटोज दिखाती है। उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में बता रही थी। रोजलिन को परेशान देखती है और कहती है कि तुम जैसा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हो ना, ये कर्स है। शायद तुमने प्यार पर बिलीव करना छोड़ दिया है, पर एक्चुअल में बहुत गलत है। हमेशा कोई ना कोई तो होता है जो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत परफेक्ट है। तुम्हें कभी भी इस तरीके से प्यार पर गिव अप नहीं करना चाहिए। रोजलिन इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है और वहां से वो जाने का डिसाइड कर लेती है। फ्लेचर उसे रोकने के लिए आया। रोजलिन कहती है तुम मेरे बारे में कुछ भी जानते नहीं, फिर भी बहुत कुछ चीजें कर रहे हो, ये सब सही नहीं है। वो कहती है कि मैं विजन वगैरह इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती। फ्लेचर कहता है कि लास्ट फ्राइडे को एक आदमी ने तुम पर हमला किया था, इसके बारे में मुझे पता नहीं होना चाहिए, पर ये सब मैंने विजन पर देखा था। रोजलिन इस बात से सरप्राइज्ड हो गई, फिर भी वो वहां से जाने लग गई। वो जाते हुए फ्लेचर से कहती है कि जो तुम मुझे समझते हो वैसे मैं नहीं हूँ। फ्लेचर कहता है कि तुम अपने आप से झूठ कह रही हो, मुझे तुम्हें अच्छा ही नजर आती है, तुम पर बिलीव करता हूँ, तुम सब कुछ अच्छा कर सकती हो। वो फिर भी जा रही थी तो फ्लेचर कहता है कि जो आदमी तुम्हें हमेशा प्यार करेगा वो मैं ही हूँ। तुम्हें पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस सिर्फ तुम एक बहुत बड़ी कावर्ड हो। रोजलिन फिर उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि इस तरीके से उसे लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और इसी वजह से उसे फंसाने के लिए वो यहाँ पर आई थी। इसके बाद उसकी कार लेकर वो वहां
से चली जाती है। रोजलिन फिर अपने घर पर आई। वो फ्लेचर को बहुत मिस करती है। फिर से अपने काम में वो लग गई थी, एक मिलीनियर के साथ थी। उसके साथ ड्राइव करते हुए एक शॉप में उसे ट्रम्पेट दिखता है। उसे फ्लेचर की याद आ जाती है। उसी वक्त गाड़ी से उतर गई और डायरेक्टली फ्लेचर के पास आ गई। फ्लेचर सो रहा था तो उसके फोरहेड पर किस करती है। फ्लेचर के सामने बैठकर उसे वो ड्रॉ करती है। ये ड्रॉइंग उसके पास छोड़कर बाहर ट्रीज में जाकर वो सो गई। और फ्लेचर के साथ जीने का उसने डिसाइड कर लिया था। फ्लेचर नींद से जगा और उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो समझ गया था कि रोजलिन वापस आ गई है। इसके बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं। एक दूसरे के साथ वो बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आपने आपका ख्याल रखिए।